हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कल शाम को जो है मैं साया की कुछ ओल्ड वीडियोस देख रहा था, मतलब जब वो जो है काफ़ी छोटी थी, आई थिंक 6-7 महीने की, तो मतलब उसमें और आज में जो है काफ़ी फ़र्क लग रहा है। और तब से जो है सनाया से मिलने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और सिर्फ अभी 2 डेज हुए हैं यहाँ पर मुझे स्टे किए हुए हैं। सुबह के 8:15 हो रहे हैं, वहाँ की धूप भी आज भी काफ़ी तेज़ निकली हुई है और इधर ये कुछ कपड़े पड़े हुए हैं। चलो मंदिर के दर्शन कर लेते हैं सुबह सुबह। यहाँ पर रहने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा है जो है आराम से सुबह उठो सीधे मंदिर के दर्शन। और एक्चुअली मैं जो खीरा खाता हूँ वो फ्रिज में पड़ा हुआ है, बाकी सारे फिनिश हो गए, एक बचा है, तो इसे मैं जो है बाहर किचन में रख देता हूँ। ना एक दिन मैंने ठंडा खा लिया खीरा तो काफ़ी अजीब सा लग रहा है, तो इसे किचन में थोड़ी देर छोड़ देते हैं, नॉर्मल हो जाएगा तब तक। और भाभी जी मेरा ब्लॉग देखने में लगी हुई है, इधर बन रही है चाय और इसमें जो है राजमा उबल रहा है। भाभी जी भी मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। आज मेरा ब्रेकफास्ट जो है गाय माता करेगी। उधर पहुंच गया बाई चांस, बस बट उन्हें मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाय रखी वहाँ और मुझे लगा कि किचन में ही रह गई है। और कुछ लोगों का डेडिकेशन जो है वास्तव में बहुत ही ज़्यादा होता है। एक हैं वेस्ट बंगाल के, उनकी एज होगी आई थिंक जो है 50 के अराउंड होगी, तो वो साइकिल से जो है वेस्ट बंगाल से गए लद्दाख तक, मतलब जहाँ पे 2500 किलोमीटर के अराउंड जो है डिस्टेंस होगी सिर्फ जो है लद्दाख घूमने के लिए। और बाया साइकिल, मतलब इतनी दूरी तय करना बहुत ही मतलब मुश्किल बात है। और बाकी लोग बाइक से जाते हैं और आजकल तो काफ़ी जा रहे हैं, कुछ लोग कार से जा रहे हैं, बट इतनी दूर कोई बंदा जा रहा है वो भी साइकिल से सिर्फ घूमने के लिए, मतलब नो ब्लॉगिंग एंड नो कैमरा, मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है फील करने के लिए कि जो है लद्दाख में ऊँचाई पर कैसा दिख रहा है। और सनाया को हाय बोल देते हैं। हाय सनाया, कपड़े यहाँ पर सूख गए तो ये जो है लेते हैं। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि पहले इन्हें घर लेके जाऊंगा, वहाँ मशीन में डाल दूंगा धुलने के लिए, बट 2-3 टी शर्ट थी तो मैंने कहा क्या लेके जाना, लेके जाओ फिर वहाँ से मैं भूल जाता हूँ लाने के लिए, तो इससे अच्छा मैंने सोचा जो है यहीं धो देते हैं, इसमें टाइम कितना लगेगा। और अभी सॉक्स जो है थोड़े से गीले हैं तो इन्हें जो है डाल देंगे। और इन्हें सर्फ एक्सल में डाला, 1 घंटे के लिए छोड़ दिया, बस थोड़ा पानी डाला, बस हो गया डाल। तो एक्चुअली आज ब्रेकफास्ट किया नहीं था तो इस वजह से जो है काफ़ी तेज़ भूख लग गई, जबकि अभी 10 भी नहीं बजे तब भी। और आज दोपहर को जो है जल्दी भूख लगने वाली, जब तक मैं घर पहुँचूँगा तब तक जो है फिर से दोबारा से भूख लग जाएगी। तो आज जो है काफ़ी दिनों बाद राजमा खाने को मिल रहा है, तो ये राजमा चपाती है, राइस है और अपना सैलेड, साथ में रायता। रायते के बिना छोला और राजमा कंप्लीट नहीं होता, तो जो है इसे फटाफट पहले फिनिश करते हैं। अच्छा अंकल जी, राम राम। राम राम। बड़ी वाली कार को यहाँ से जो है टर्न करना बहुत ही मुश्किल रहता है, बट ये वाली कार आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। मौसम बारिश वाला हो रहा है बट बारिश होगी नहीं मुझे लग रहा। तो सीन ये हो गया कि ये 2 टायर खराब निकले, ये वाला फूला निकला और ये वाला पूरा जो है इसका माल खत्म हो चुका। तो थोड़ा सा काम समझ गया है बट यहाँ पे काफ़ी खर्चा होने वाला है। वही बात है ना, हाथ पैर जो है ठीक होने चाहिए तभी इंसान चल पाता है, सेम गाड़ी के साथ भी यही सीन है। और बाकी इधर वाला जो एरिया है वो पूरा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, ये पूरा बाकी ये कलेक्ट्रेट है यहाँ पे हरदोई में। तीन 50 हो गए हैं और हम लोग जो है कोर्ट से निकल चुके हैं, मुझे काफ़ी तेज नींद आ रही है। इधर मैं जो है तब तक कार में ही लेट गया हूँ आराम से, जूते उते मैंने निकाल दिया, आराम से लेटे हैं आज। थोड़ा सा काम पड़ गया तो इधर शॉप पे जो है काम हो रहा है, सौरभ गए काम कराने के लिए। और अभी हम लोग आ गए इस जगह का नाम है सहाबाद, यहाँ से है शाहजहाँपुर 30 किलोमीटर्स तुम्हारे लिए। और देखो आम के ठेले जा रहे हैं, अब आम जो है बिल्कुल खाने वाला नहीं रह गया है, मैंने तो काफ़ी दिनों से जो है नहीं खाया है, तसेरी पूरा लगभग ख़त्म हो चुका है मार्केट से। और बाकी कुछ चल रहे हैं, चौंसा हो गया, लंगड़ा हो गया, बाकी मैंगो का सीज़न गया, नेक्स्ट ईयर।
और फिलहाल सनाई की एंट्री हो चुकी है और इन्होंने सारे कलर्स वगैरह देखो अपने जो है गिरा दिए हैं। बेटू ऐसा क्यों कर रही हो आप? और अनी जो है इधर सारे कपड़े वगैरह और जो है चादर वगैरह सेट करने में लगी हुई है, बहुत ही ज्यादा काम करती हैं। और बाय द क्या पहले आपकी सुन, बाय द वे टाइम हो गया है 7 बजने हुए पूरे, पूरा बाहर एकदम अंधेरा हो चुका है, मैंने दोबारा से नहा लिया है, अब काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। और इस बाल और ये वाला पेड़ है इसकी सारी मिट्टी सूख गई है, इसमें पानी पड़ने हुआ है, तो मतलब मैं बोलूँगा तभी पानी पड़ पाएगा। चांदनी का पेड़ है, छोटे छोटे फूल आ गए, इतने प्यारे लग रहे हैं, शनाया को भी बुला के एक दे दें। सनाया आ गई मेरे बिना कहे। अरे बीटू आप प्लांट्स को कलर करना चाह रही हो क्या? क्यों ये देखो मुरझाने लगा, मतलब इसमें इतना पानी नहीं पड़ पाया क्या? अनी भाई कैसे ये सब क्या है बीटू? आप चोट मत मार लेना। आपको भी डालना है? लो लेके आओ, जाओ पानी लेके आओ, गो शनाया पानी लेके आओ। हो आप चोट मत मार लेना, आ जाओ पापा जी डाल देंगे। पानी देके बहुत खुश हो जाते। सारे कपड़े इधर सेट हो गए, अब सनाया देखो क्या क्या अंदर घुसती जा रही है ना? हाँ तो वहाँ से हरदोई से कैसे लेके आते हैं? तो अपने तो बाकी तो डाल दिए। बाय द वे डिनर वगैरह हो गया है और आज सही टाइम पे डिनर हुआ है, 9:15 हो रहे हैं और सनाया और अनी अभी जो है नीचे डिनर कर रहे हैं, मैं तो डिनर करके आ गया हूँ अपना। और मुझे आज जो है नींद आ रही है, अभी से नींद आ रही है, जबकि अभी कुछ भी टाइम नहीं हुआ है। तो अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगा, उसके बाद में जो है ब्लॉग को एडिट करूँगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो है ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देता हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बस दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।